हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एनसीईआरटी अल्लाह में और मैं हूं आपके साथ आपका मिस्टर एमएस। तो देखिए, आज जो आपका चैप्टर है उसका नाम है ट्रेन। आप लोगों ने सबने ट्रेन देखी है ना, तो ठीक है। तो देखिए ट्रेन में क्या कह रहा है, ट्रेन कहाँ कहाँ जाती है। ओवर द माउंटेन, मतलब जो माउंटेन क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं। तो पहाड़ों से ऊपर, पहाड़ों से मतलब होते हुए, ओवर द प्लेन्स, प्लेन्स मतलब मैदानों से होते हुए, ओवर द रिवर्स जो नदी है उनसे होते हुए, हेयर कम द ट्रेन, यहाँ क्या आती है, ट्रेन आती है। कैरिंग पैसेंजर्स, क्या होते हैं उसमें, पैसेंजर्स होते हैं, पैसेंजर्स मतलब वो जो यात्री होते हैं। कैरिंग मेल, मेल वाली भी होती हैं, जो डाक घर वाली होती हैं, डाक वाली जो मेल गाड़ी होती हैं, मतलब कि रेलगाड़ी। ब्रिंगिंग दियर प्रीसियस लोड, उसमें बड़ा कीमती कीमती सामान रखा हुआ होता है, इन विदाउट फेल, और कोई फेल नहीं होता है उसमें, मतलब कि कभी मतलब कि फेल नहीं होती है। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स, उसमें जो हजारों, उसमें क्या छोटी छोटी मतलब कि इस तरीके की कार, मतलब कि डिब्बे लगे हुए होते हैं। ऑल रसिंग ऑन, जो सारे के सारे मतलब भागते हुए होते हैं। थ्रू डे एंड डार्कनेस, दिन और रात मतलब अंधेरे में भी। थ्रू डस्क एंड डाउन, सुबह या फिर शाम, चलते ही रहते हैं। ओवर द माउंटेन, पहाड़ों से होते हुए। ओवर द प्लेन्स, मैदानों से होते हुए। ओवर द रिवर्स, नदियों से होते हुए। हेयर कम द ट्रेन, यहाँ क्या आती है, ट्रेन आती है। देखिए आपको भी ट्रेन पसंद है ना, तो ट्रेन के लिए एक बार वीडियो लाइक कीजिए और इसके वर्ड मीनिंग देख लीजिए। माउंटेन पर्वत होता है, पैसेंजर्स यात्री होते हैं, रिवर्स नदियाँ होती हैं, प्रीसियस कीमती, मेल चिट्ठी वगैरह होते हैं, प्लेन मैदान, टस्क भोर, टाउन संध्या। ओके स्टूडेंट्स, ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मांग लेना या आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।